बिहार के बालू घोटाले के संबंध में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने धनबाद के 5 जगहों पर छापेमारी की। जांच अभी जारी है। सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद तो धनबाद में हड़कंप मच गया। तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कह रहा था कि संताल परगना के बालू घोटालों के संबंध में ये छापेमारी हो रही है, तो कोई कह रहा था कि अवैध उत्खनन के मामले में छापेमारी हो रही है। लेकिन बाद में साफ हुआ कि बिहार में हुए बालू घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने ये छापेमारी की है। लोग बताते हैं कि जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है उनका भारी मात्रा में पैसा बालू के ठेका में लगा हुआ है। कम से कम बिहार में 1.5 दर्जन ऐसे बेनामी बालू घाटों में भी उनका पैसा लगा हुआ है। बालू घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने ये छापेमारी की है। लोग बताते हैं कि बिहार के कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आगे वो भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाए। धनबाद में जिन जगहों पर छापेमारी की गई है उनमें से जगनारायण सिंह, कुंज सिंह, पीपी सिंह, मनोज सिंह, सुरेंद्र जिंदल शामिल है। ये कार्रवाई धनबाद, झरिया और सिंदरी में चल रही है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।